बावनवास में प्रभारी मंत्री भजनलाल जाठव का रहा दौरा की जनसुनवाई। बावनवास 19 जनवरी गुरुवार को बावनवास में प्रभारी मंत्री भजनलाल जाठव द्वारा पंचायत समिति बावनवास सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली एवं विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। वहीं जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाठव द्वारा पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई भी की, जहां पर क्षेत्र में आए हुए लोगों द्वारा बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं से जिला प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया। वहीं प्रभारी मंत्री द्वारा मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या निराकरण के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर सुरेश ओला, SP सुनील बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य अभिषेक खन्ना, जिला प्रमुख सुदामा मीना, एडिशनल SP प्रकाश मीना, ADM नवरत्न कोहली, डिप्टी SP तेज कुमार पाठक, SDM जोगिंदर सिंह, खंड विकास अधिकारी डॉक्टर जगदीश गुजर, तहसीलदार ब्रजेश मीणा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंदकिशोर मीणा आदि के प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नहीं नहीं, गंभीर बीमारियों का हमारे पास अलग से व्यवस्था है। यदि कोई गंभीर बीमारी जिसके है, जैसे मैंने कहा ना, हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट हो लिया, उसको मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र लिखना पड़ता है और बाकायदा वो हमने 20 लाख 25 लाख रुपए कई लोगों को स्वीकृत हुए हैं, बिल्कुल होते हैं, 101% है उसके अंदर, तो परिवार का 10 लाख रुपए तक का है। और कई कोई खामी होगी तो वो कई बार क्या होता है, जो लोग हैं उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और कई बार अधिकारी कर्मचारी उनके चक्कर लगवा देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका चिरंजीवी कार्ड, हमारे कलेक्टर साहब भी कई बार जो कल असाध्य बीमारी होती है, जो बिल्कुल बेचारे जिनको बड़ी दिक्कत होती है, उनके हैंड टू हैंड भी चिरंजीवी कार्ड बनवाए। चिरंजीवी योजना की सबसे आम शिकायतें आती है कि निजी जो अस्पताल है चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं होगा और पैनल में है तो उसको करना ही पड़ेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है, उसको कोई शिकायत करे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।